की हम बात इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या भगवान का कोई अस्तित्व है या जो चीज साबित हो सकती है विज्ञान के जरिए सिर्फ वही सत्य है। अमिताभ, इस वक्त दुनिया में कोई 750 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अपने आप को घोषित रूप से नास्तिक कहते हैं और जिनको विश्वास है कि जो साइंस कर रहा है सिर्फ वही सत्य है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। जो सत्य है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है कि मतलब के 99% लोग किसी बात को मानते हैं इसलिए वो सत्य है। सत्य भले 1% हो वो सत्य ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि दुनिया के जिन देशों में बात करो, जिन देशों में आप देखेंगे कि ज्यादा खुशहाली है, जहाँ सोशल सिक्योरिटी अच्छी है, सरकारें लोगों का ध्यान रखती हैं, लोगों की भागीदारी रखती है, लोगों का पूरी बात करती हैं, तो आप देखेंगे कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, यूरोप के कई सारे मुल्क हैं जहां पे आप पता चलेगा कि 80% लोग नास्तिक हैं, वो खुशहाल देश हैं। और जो देश जितने ज्यादा धार्मिक है, इतने कट्टर धार्मिक, उतनी बदहाली में रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि विज्ञान की दुकान की बात चली थी, विज्ञान की दुकान के बदौलत ही हम गुफाओं से निकल के आज यहां पहुंच पाए। धार्मिक दुकान है तो इंसानों को बर्बाद करके रख दिया पूरी दुनिया में। एक ईश्वर की आप बात करते हैं, वो ईश्वर कैसा ईश्वर है? ये थानेदार की तरह है, उसके अंदर हाथ जोड़े, गिड़गड़ाए, रोज उसकी तारीफ करें, 4 दिन नहीं तारीफ करें तो नाराज हो जाएगा, हमारा सत्यानाश कर देगा। ऐसा कैसा ईश्वर है ये कि जिसको रिश्वत चाहिए, जिसको हमारा भला करने की रिश्वत चाहिए, प्रसाद चढ़ाना है, पूजा करनी, अपने बाल कटवा देने, किसी को अपने हाथ कटवा देने, किसी को खतना करवा लेना, कैसा ईश्वर है उसको खुश करने के लिए? तो ये जो बेचारे मिट्टी के जिनको हमने बनाया, क्या कहते हैं, मिट्टी से बनाया है इनको, और ये मिट्टी से बनाया, एक बनाया था उसने, कहते हैं कि एक शैतान को बनाया था जिसको आग से बनाया था उसने, सारी दुनिया कहते हैं कि सारी दुनिया को बिगाड़ दिया। तो हमारी क्या गलती है? सजा देनी तो अपने शैतान को सजा दो या खुद सजा भोगो, खुद जलो नरक की आग में, हमें क्यों जलाते हो? अमिता जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ईश्वर नहीं है, इसके लिए बार बार विज्ञान की जरूरत नहीं है। सदियों पहले हमारे संतों ने, समाज सुधारकों ने, कबीर ने, तुकाराम ने, चंडीदास ने, इन्होंने सबने कहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। दुनिया कितनी बेवकूफ है जो पत्थर पूजने जाती है, घर की चक्की कोई नहीं पूटती, उन्होंने कहा है। ये बहस जो है, और इसके लिए ईश्वर नहीं है, सिद्ध होने के लिए जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए। मनुष्य सत्य है मेरा, मनुष्य में मेरी आस्था है, शब्दों में आस्था है जो पुरखों ने दिए हैं। संत चंडीदास ने कहा था, मनुष्य सत्य सवार ऊपर तहार ऊपर नहीं, मनुष्य सत्य ईश्वर है। भाषा शब्द की प्रतिबद्धता वो है, शब्दों में, कठिन शब्दों में और चीजों को गड़बड़ करके लोगों को मूर्ख बनाना और भ्रमित करना, ये सत्य नहीं है। वो न धार्मिक भाषा है न मजहबी भाषा है। सत्य जो है वो आत्मा का सत्य होता है, आदमी का, हर आदमी का निजी सत्य होता है, विवेकानंद ने कहा था। बड़े बड़े संतों को पीछे पटक के, जो इंसानी कमजोरियां हैं वो उसको विवश करती हैं भगवान को मानने के लिए। हम सिर्फ इसको इस नजर से नहीं देख सकते कि आज क्या हो रहा है, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलना पड़ेगा। जब इंसान ने सवाल पूछने शुरू किए तो बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जिनका जवाब उसके पास नहीं था, वो सवाल बार बार पूछता रहा। कुछ सवाल ऐसे थे जिनको उसने शुरुआत में ही पूछा कि ये चीजें कैसे होती हैं, कुछ सवाल ऐसे थे जिनको क्यों होती है से शुरू किया। जो मेटा क्वेश्चन या बड़ा सवाल ज्यादातर धर्मों का है, सभी धर्मों का है, वो बड़ा सवाल क्यों से शुरू होता है, और जब क्यों से शुरू होता है और हम अपने ज्ञान की सीमा पे पहुंचते हैं तब जवाब सिर्फ हमारे पास रह जाता है कि ये कोई ना कोई शक्ति है, उसकी मर्जी की वजह से हो रहा है। लेकिन जब हमारा सवाल शुरू होता है कैसे से, तब वो साइंस का सवाल होता है, और वो साइंस का सवाल हमें जब ज्ञान की अपने सीमा पर ले जाता है तो वो सवाल का जवाब आता है कि आज हमें नहीं मालूम, कल हमारी जानकारी और बढ़ेगी तो हमें पता लग जाएगा। इसलिए जो साइंस है वो ऐसी बॉडी है नॉलेज की जो हमेशा बढ़ती रहती है, और सीमाएं उसकी जैसे जैसे फैलती जाती हैं वैसे वैसे एक्स्ट्रा साइंस जिसे कहें हम, जो इसमें सारे धर्म आते हैं, उनकी सीमाएं सिमटती जाती हैं। कल तक बहुत सारी भ्रांतियां थी जिन पर शास्त्रों में लिखा हुआ है, स्वामी जी शायद आज उनको ना बताएं आपके सामने कि यह भी शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है, ये भी धार्मिक किताबों में गलत लिखा हुआ है, अच्छी अच्छी बातें बता देंगे आप जी, लेकिन वो बातें नहीं बताएंगे जो बिल्कुल गलत हैं आज। लेकिन जो प्रचलित मान्यता है गौहर साहब, उसमें ये कहा जाता है कि साइंस हमें वो बातें बता देता है जो बाहर दिखती हैं, लेकिन वो नहीं बताता जो हमारे अंदर चल रही हैं। हमारे अंदर चलने वाली ही बातें सारी साइंस ने पिछली दो सदियों में मुझे भी बोलने का, हमारा अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, दिमाग कैसे काम करता है। बहुत ही जल्दी एक छोटी चिप यहाँ लगा दी जाएगी, मैं आपके मन की बात जान पाऊंगा, हम दोनों की चिप लग जाएगी, ये क्या सोच रहे हैं। तो जिसको हम बोलते हैं अंतर मन की बात है जानना, ये विज्ञान संभव कर देगा 2-4 साल में।
साइंस का ये सवाल ही नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। इसलिए अगर साइंटिस्ट हो सकता है कि कोई मानता हो ईश्वर को, लेकिन साइंस ईश्वर को मानेगी ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि साइंस का सवाल ही नहीं है। न्यूटन, देखिए ऐसा सिद्धांत, फर्क क्या है, फर्क क्या है। एक कवि के बारे में मैं पढ़ रही थी, पीवी शेली, जो अंग्रेजी के बहुत मशहूर कवि हैं, उनको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था सिर्फ नास्तिक होने की वजह से। आप अपना सवाल पूछिए, क्या कहना चाह रहे जी? मेरा ये पूछना है कि आप जैसे जानते होंगे कि भगवान के नाम पे इस दुनिया में लाखों युद्ध होते हैं। एक इंस्टीट्यूशन साइंस है, एक इंस्टीट्यूशन रिलीजन है। मैं रिलीजन और भगवान को जोड़ नहीं रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि भगवान एक रिलीजन का प्रतिनिधि है, तो वो प्रतिनिधि बैठ करके ये सब देखता रहता है साइंस के नाम पे। आज तक आप मुझे एक युग बता दीजिए जो साइंस में आपस में साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया हो, रिलीजन के जो गुरु हैं, जो भगवान है, उनकी वजह से आज दुनिया को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। चारों तरफ इतने ज्यादा हमारे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, अभी रिसेंटली हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ है। ये सब क्या है? ये सब हमारे को धर्म का देन है, और धर्म किसके लिए? ईश्वर के लिए। उस ईश्वर के लिए ये सब हो रहा है, और वो आंखें बंद करके वहां सत्ता में बैठा हुआ देख रहा है कि 6000 साल बाद कलयुग खत्म होगा, फिर वो सजा देगा, और आज यहाँ लोग मर रहे हैं, उनको बचाने कौन आएगा? जी, इस बहस का कोई अंत नहीं है, और जितनी सुक्तियां और ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन है वो मनुष्य के सहज विवेक, सामान्य चेतना और साधारण आदमी की सोच समझ से बाहर है। मेरा फिर अंतिम रूप से ये कहना है कि मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के वास्ते, अपने अपने सरोकारों के वास्ते, जिस तरह से बिजू का खेत में बना देते हैं, जिस तरह से पत्थर का गांव-गांव के अंदर एक गांव का देवता बना देते हैं कि गांव की सुरक्षा बनी रहेगी, काटी गांव जैसे गांव में जहां लोग घास काटते थे वहां भी एक देवता बना हुआ था, ईश्वर का निर्माण किया है और सदियों से उसको बड़ा बना दिया। देखिए ऐसा ऐसे हुई कि अगर हम बायस्ड स्टडी करना चाहें, आंखें बंद करके करना चाहें, तो फिर हमें धर्म के अंदर कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देगा, जैसे ज्यादातर लाखों करोड़ों लोगों को नहीं दिखाई देता है। लेकिन हर धर्म के अंदर नफरत घृणा उतनी मौजूद है, वरना मैं अपना धर्म मानूंगा ही नहीं। मैं अपने धर्म को बेहतर समझता हूं दूसरे से, तभी मैं अपना धर्म मानता हूं। दूसरी बात यह है कि धर्म के अंदर हमेशा का सच मौजूद होता है, जो सड़ा गला बदबूदार हो जाता है टाइम के पास होने की वजह से। आप बात कर रहे हैं बेहद पुरानी किताबों की, आप जहर खाना चाहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किस किस धर्म का जहर खाना चाहते हैं? जिसका बिग बैंग थ्योरी जो ये मानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, आप बात यह है कि सारे धर्मों के अंदर नफरत मौजूद है, सारे धर्म मोहब्बत की भी बात करते हैं, जब चाहें तो आप बड़ी बोले उसके बाद जरूर हर धर्म के अंदर है। ये स्वामी बालेंदु साहब, हर धर्म के कपड़े, धार्मिक शख्स थे और वृंदावन में धर्म की शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, लेकिन अपने अनुभव से इन्होंने सीखा कि धर्म में वो सारी चीजें नहीं है जो हमें आगे ले जाए, और वो नास्तिक हो गए।